हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्विंकलिंग वाटरमेलन के तीसरे एपिसोड के ड्रामा एक्सप्लेनेशन में। तो शुरू करते हैं एपिसोड 3 के साथ, जहां हम देखते हैं कि 90s में ईचैन को क्लास में ध्यान नहीं दे रहे पर अपने टीचर से डांट पड़ती है। वह अपने टीचर से कहते हैं कि वो अपने ग्लोरी डेज में है और डिसाइड करता है कि वो अपनी ज़िंदगी को सुधारेगा। स्कूल के बाद ईचैन और माजू एक लाइब्रेरी में जाते हैं, जहां वो चुंग आ से पहली बार मिलते हैं। एपिसोड फिर चला जाता है ईचैन और सेक्यूंग के इंटरेक्शन पर स्कूल में, जहां वो सेक्यूंग को कहता है कि वो एक बैंड का हिस्सा है। सेक्यूंग समझ जाती है कि ईचैन झूठ बोल रहा है और उससे कहती है कि उसकी उंगलियों पर तो कोई भी म्यूजिकल मार्क्स के निशान नहीं है। एक भीड़ के सामने जब ईचैन सेक्यूंग के साथ फ्लर्ट करता है तो सेक्यूंग उसे एक कंडीशंस की लिस्ट देती है और कहती है कि अगर वो उसके बैंड में शामिल होना चाहता है तो इन शर्तों को पूरा करना होगा। सेक्यूंग ईचैन को एक गाना कवर करने के लिए कहती है। अपने घर जाते वक्त सेक्यूंग अपने ड्राइवर से कहती है कि वो ईचैन के साथ सिर्फ मजाक कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि ईचैन ये शर्तें पूरी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने की कोई कला नहीं है। ड्राइवर सेक्यूंग से कहता है कि ईचैन वैसा लगता है जैसे उसमें डिटर्मिनेशन है और उसे एक लड़का जो प्यार में है उससे सावधान रहना चाहिए। माजू और ईचैन बैंड के लिए एक गिटारिस्ट ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिलती क्योंकि ईचैन अभी गिटार नहीं बजाना जानता। ईचैन लड़कों से कहता है कि वो अच्छा गाना गा सकता है, लेकिन तीनों उसे समझाते हैं कि अगर वो बैंड का हिस्सा बनना चाहता है तो उसको गिटार बजाना सीखना होगा। माजू ईचैन को गेस्ट हाउस ले जाता है और वो बालसान से बात करते हैं। बालसान उन्हें कहता है कि उसका एक दोस्त डोंगजिन है जो गिटार बजाता था और उसकी मदद कर सकता है। ईचैन बालसान से कहता है कि वो डोंगजिन को मिलने के लिए मनाए, लेकिन बालसान डोंगजिन से संपर्क में नहीं कर पाता है और लड़कों को यह झूठ बोल देता है कि गिटारिस्ट पहाड़ों में मेडिटेशन कर रहा है। तीनों लड़के खुद ही एक्शन लेते हैं और एक ऑनलाइन फोरम पर डोंगजिन को ढूंढने का एक मैसेज डालते हैं। लड़के लिखते हैं कि डोंगजिन को ईचैन की दादी के गेस्ट हाउस में मुफ्त रहने मिलेगा अगर वो उन्हें गिटार बजाना सिखाएगा। और ये शॉकिंग बात होती है कि डोंगजिन अगले दिन वाइवा म्यूज़िक दुकान के बाहर मिलने के लिए राज़ी हो जाता है। माजू और ईचैन यूनिफॉर्म में तैयार होते हैं और उससे मिलने के लिए, लेकिन डोंगजिन को पेट दर्द हो जाता है और वो जल्दी में बाथरूम जाता है। तभी यून ग्योल प्रेजेंट के टाइम से 1995 में आ जाता है और अपने पिता से मिलता है जो तब एक हाई स्कूल स्टूडेंट थे। यून ग्योल को शॉक लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। ईचैन यून ग्योल के व्यवहार से हैरान होता है, लेकिन फिर भी दोनों लड़कियों के पीछे भागता है। यून ग्योल इन दोनों से झूठ बोलता है और बताता है कि हाँ, वही डोंगजिन है। ईचैन यून ग्योल से कुछ सवाल पूछता है जिनका यून ग्योल सही सही जवाब देता है क्योंकि वो एक अच्छा सिंगर था। ईचैन को यकीन हो जाता है कि यून ग्योल सच में डोंगजिन है और वो उनके बैंड फर्स्ट लव मेमोरी मैनिपुलेटर्स में शामिल होने के लिए राज़ी हो जाता है। तीनों लड़के बस से स्कूल जाते हैं, लेकिन यून ग्योल अपने पिता के बारे में सोच रहा होता है जो एक बैंड का हिस्सा थे और बोल सकते थे। ईचैन यून ग्योल से कैजुअल बात करने को कहता है और उसे अपना नाम से बुलाता है। बैंड के सदस्य बताते हैं कि यून ग्योल डोंगजिन नहीं है क्योंकि वो उनसे पहले मिल चुके हैं। बैंड के सदस्य ईचैन यून ग्योल और माजू को ज्वाइन करने से मना कर देते हैं और उनको पीटने लगते हैं। इसी बीच सेक्यूंग चुंग आ के साथ टी शर्ट वापस करने के लिए बात करने की कोशिश करती है। सेक्यूंग को पता चलता है कि चुंग आ, जो कि बहरी है, वो वाइब्रेशंस को सुन सकती है, इसलिए वो हमेशा ईयरफोन्स में म्यूज़िक सुनती है। दोनों लड़कियां एक नोटबुक में लिखकर बातचीत करती हैं। चुंग आ सेक्यूंग से पूछती है कि क्या वो ईचैन को पसंद करती है। सेक्यूंग साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और दोनों लड़कियां थोड़ी देर के लिए बात करती हैं।
एक लड़की को उनके टीचर डांटते हैं क्योंकि वो चुंग आ की पेंटिंग को कॉपी कर रही थी। दूसरी लड़कियां चुंग आ के बारे में बुरे तरीके से बात करती हैं क्योंकि वो सुन नहीं सकती, जिससे लड़कियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच यून ग्योल अपने इंटरेक्शन से शॉक हो जाता है। उसे यह भी हैरानी होती है कि उसके पिता किसी और लड़की को इम्प्रेस करने रहे थे, जबकि उन्होंने कहा था कि उनकी माँ उनकी पहली मोहब्बत थी। यून ग्योल वापस फ्यूचर में जाने का फैसला करता है, लेकिन उसे म्यूज़िक शॉप नहीं मिलती। यून ग्योल लाइब्रेरी में जाता है जो म्यूज़िक शॉप की जगह पर होती है, और उसे पता चलता है कि इस क्षेत्र में ला वीडा म्यूज़िक शॉप नहीं है। वो बुक शॉप छोड़कर निकलता है और वापस 1995 में पहुंचता है। यून ग्योल चिंता में है और याद करता है कि दुकानदार यानी मास्टर ने उसे ट्रांजैक्शन स्लिप सुरक्षित रखने के लिए कहा था। वो लोकल फ़ोन बूथ का इस्तेमाल करके मास्टर को कॉल करता है, लेकिन परेशान हो जाता है जब वो दुकानदार से संपर्क नहीं कर पाता। यून ग्योल खाना खाने का जुगाड़ करने की कोशिश करता है, लेकिन समझ जाता है कि उसके पास भविष्य से आए पैसे हैं जो पहले काम नहीं करते थे। यी चैन गेस्ट हाउस वापस जाता है और उसकी दादी से सुनता है, क्योंकि वह अपने साथ उस नए लड़के को नहीं लाया था। यी चैन ने अपनी दादी से झूठ बोला था कि गेस्ट हाउस में मुफ्त में रहने के बदले वह लड़का उसको लेसन्स देगा। यूं कौन आर्टिस्ट के द्वारा धोखा खाने के बाद भी यी चैन चिंता करता है यून ग्योल की, कि क्या उसके पास कुछ खाने को होगा या नहीं। यून ग्योल अपनी सबसे पुरानी सिक्के को देखता है और कन्वीनियंस स्टोर से कप नूडल्स की एक बाउल खरीद लेता है। फिर उसे अपनी माँ की खोज करने का फैसला करना पड़ता है, लेकिन पता चलता है कि उसे उसके बारे में प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो एक यतीम बड़े थे। वो रात के लिए एक अंडरपास पर रह लेता है और दूसरी सड़क पर भीख मांगने वाले लोगों के साथ सोता है, एक न्यूज़पेपर से ढककर। यून ग्योल महसूस करता है कि अब उसके माता पिता के बारे में उसे पहले के दिनों से अधिक जानकारी है। तभी वो लोकल फ़ोन बूथ में बजने वाले फ़ोन को सुनता है। वो फ़ोन उठाता है और मास्टर को सुनता है, जो दूसरी तरफ लाइन पर है। मास्टर यून ग्योल से कहता है कि वो खुद ही कैसे फ्यूचर में वापस जाना होगा ये खुद ही समझना होगा। अगली सुबह यून ग्योल उठकर वापस घर जाने का तरीका ढूंढने का फैसला करता है। इसी बीच माजू यी चैन से कहता है कि डोंग जिन ने ऑनलाइन फोरम पर पोस्ट किया और दोनों का कौन आर्टिस्ट को बुलाया है, क्योंकि उन्हें मिलने का तरीका नहीं है या अपनी मासूमियत साबित करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए वो एक नए गिटारिस्ट की तलाश करना होगा या फिर उनका कुछ भी नहीं हो सकता। माजू यी चैन से हार मानता है, लेकिन यी चैन से क्यों के पास जाता है और उसे सच्चाई बताता है। यी चैन कहता है कि वो सेक्यूंग से एक हफ्ते का समय मांगेगा और वो उसे नए बैंड के लिए सब्र से इंतज़ार करें, जैसे सेक्यूंग ने उनसे मांगा था। यून ग्योल यी चैन को ढूंढ लेता है रास्ते में और उससे माफ़ी मांगता है। वो बताता है कि वो भी अच्छे से गिटार बजा सकता है और यी चैन के बैंड में शामिल होने की इच्छा रखता है। यी चैन पहले यून ग्योल को बैंड में शामिल नहीं करने देता, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे पड़ता है। सेक्यूंग अपनी दोस्त संग आ से कहती है कि यी चैन पहले ही फेल हो चुका है। सेक्यूंग संग आ को अवॉइड करती है और चंग आ को एक कॉन्सर्ट टिकट देने जाती है, लेकिन चुंग आ अपने लॉकर के पास होती है जब उसे क्लास की सारी मीन गर्ल्स उसे बुली करने लगती हैं। यी चैन को पता चलता है कि सेक्यूंग और चुंग आ के स्कूल में यूनिफॉर्म कोड है, तो वो अपने दोस्त के जैकेट को उधार लेता है और स्कूल में चला जाता है, जबकि यून ग्योल को स्कूल में दाखिल होने से रोका जाता है क्योंकि उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है। स्कूल के अंदर पीई टीचर यी चैन के पीछे भागता है, जिस वजह से वो स्पोर्ट्स स्टोरेज रूम में छुप जाता है। वहाँ पर यी चैन को चुंगा मिलती है और वो उससे कहता है कि वो चुपचाप रहकर उसकी मदद करे, और दोनों छुप जाते हैं। यून ग्योल देखता है कि सेक्यूंग स्कूल से बाहर निकल रही है और वह उसे आंटी कह के संबोधित करता है। सेक्यूंग हैरान हो जाती है जब यून ग्योल उसे एक बुजुर्ग महिला के रूप में पुकारता है, और एपिसोड इस तरीके से एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये था ट्विंकलिंग वाटरमेलन का थर्ड एपिसोड का ड्रामा एक्सप्लेनेशन।
अगले एपिसोड का इंतज़ार रहेगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।